तो यार अभी हमें एक जुगाड़ करना है जो हमारा वहाँ पे कप होल्डर है, इसके लिए हालत कितनी। यार अभी हमारा काम मुश्किल पे मुश्किल होते जा रहा है यार भाई भी। तो यार हमारे स्विचेस लग गए, दो यहाँ लग गए, तीन ऊपर लगे, एक और हमारा भी ये स्विच यहाँ से पुश है। लाइट वाला को ये लाइट, इसको मैंने ऑन किया, ये पुश देन गाड़ी। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। यार तो भाई काफ़ी टाइम से मेरे मन में था कि मैंने यार पुश बटन स्टार्ट मेरे पास पड़ा हुआ था, पुश बटन स्टार्ट मैंने अपनी गाड़ी में लगाना है, काफ़ी टाइम से सोचा था। अब तो उसको तीन चार महीने हो गए गाड़ी में पड़ा, तो मैंने सोचा आज टाइम निकाल के यार ये वाला काम भी करा ही लेते हैं। तो अभी यहाँ पर भाई की एक नई दुकान खुली हुई है, क्या नाम है, जगदीश ऑटो इलेक्ट्रिकल करके। तो यार हमारे पास सारे डेंटर पेंटर जैसे भी है, हमारे डेंटर पेंटर है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिशियन की कमी थी, वो भी भाई ने यहीं परे है दुकान, उसके साथ ही यहाँ यहीं पीछे दुकान खोल दी। अब हमारी पूरी लाइन में इलेक्ट्रिशियन से लेकर सारे हो गए। अब भाई ने भी कभी ये वाली चीज़ तो पहले ट्राई नहीं किया, तो हम अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपनी गाड़ी दे रहे हैं। हम बोले कि चलो ट्राई करो, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। कुछ कोशिश भाई कर रहे हैं, कुछ हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा भाई बता रहे, थोड़ा हम बता रहे, देख रहे हैं लगाने के बाद क्या बनेगा, क्या होगा नहीं होगा। मैं आपको तो बस मेरे को एक डर है ना इस स्विच का, जो इमोलाइजर होता है ना इसका, वह लॉक हो जाता है तो गाड़ी फिर स्टार्ट होने ही बंद हो जाएगी अगर वो लॉक हो गया। तो हम अपनी तरफ से बढ़िया कोशिश करें कि जो भी हो बढ़िया हो। बाकी आप लोगों को दिखाते हो क्या क्या हो रहा है अंदर, और कहाँ फिट करें, और हम कहाँ सारे स्विचेस लगा रहे हैं। देखो यार अभी हमारा काम मुश्किल पे मुश्किल होते जा रहा है यार। भाई भी बोले यार भाई मैंने किया नहीं है काम, तो भाई भी अभी कंफ्यूज है कि कौन सा काम कैसे होगा, कहाँ इसकी वायरिंग होगी। तो हमारा सारा जुगाड़ फिट हो गया, सारी लाइटिंग ओके होगी। इसमें तीन लाइट्स है यार, देखो एक बटन की है टॉगल स्विच की, एक पुश बटन की है, और एक पूरी असेंबली की है जिसमें जब आपका ऑन होगा तो पूरी लाइट आएगी। तो तीनों आप कैसे वर्क करेंगे यहाँ से, जो हमने चाबी दी है सिर्फ चाबी का काम है, इमोलाइजर का काम करने के लिए। देखो यहाँ से ऑफ भी यहीं से होगा, पहले यहाँ से चाबी डाली, फिर चाबी को प्ले करो तो चाबी घुमाओ, चाबी घुमाने से पूरी घुमाओ था, चाबी का कुछ भी काम नहीं बचा, सिर्फ इमोलाइजर का डिटेक्ट करेगी चाबी। फिर यहाँ से हमारा ये किया, फिर यहाँ से एक नीचे से ऑन हो गया, यहाँ पे लाइट आ गई, और उसके बाद हमारा पुश बटन काम करेगा। वो चूतिए मैंने घंटा डाला गियर में, मैं खुद डाल रही है। अच्छा, चलो यहाँ से गियर में गई गाड़ी और ये गाड़ी स्टार्ट, ठीक है। ये सारा काम रहेगा, बंद भी यहीं से होगी, चाबी हमारे इमोबिलाइजर का काम करे। अगर हमारे को इसके बाद सेंसर्स मिलते हैं चाबी के जो ये डीएक्टिवेट करते हैं, तो हम चाबी का स्विच ही हटा देंगे, पर हमारे को सेंसर्स है जो यहाँ अरे परे लगेंगे, जब चाबी अंदर आएगी तो वो एक्टिवेट होंगे। वो मैंने एक साइट देखी है, बैंगवुड करके कुछ एक साइट है, उसमें 15-16 हज़ार का वो जुगाड़ है, और उसका टाइम पीरियड भी इतना है कि 2-4 महीने लगेंगे उसको आने में। देखते हैं बाकी इस जुगाड़ को चला के कुछ टाइम इसी को वर्क करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। तो अभी इसको तारे तूरे सारे कनेक्शन करते हैं, फिर फाइनल में दिखाता हूँ आपको कैसे क्या वर्क कर रहा है और कहाँ पे लग रहा है और कैसा लग रहा है। चलो पे हमारे को थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन करनी पड़ रही है यहाँ पे पूरा इसको लगाने के लिए, यहाँ से थोड़ा सा इसको कटिंग करके यहाँ पे फिर हमारा प्रॉपर बैठ जाएगा। देखो ये इसके लिए लोकेशन है, और कोई लोकेशन है नहीं, और हमने कहीं भी सोचा है, एक हम सोचे थे यहाँ पत्ती बना के लगाएंगे, वो भी नहीं बन रहा है जुगाड़ यहाँ पे कहीं, यहाँ तो फिर फुद्दू जैसी चीज़ लगी अगर यहाँ करेंगे तो। और बाकी हम स्विचेस का सोच रहे कि हम सारे स्विचेस को यहाँ पे लाते हैं, 3-4 स्विचेस को इकट्ठे लाते हैं, वहाँ से सारे स्विचेस को हम हटा देते हैं, वहाँ पे सिर्फ इस पुश बटन को रखेंगे। बाकी देखते हैं अभी क्या क्या बनता है, कितना जो हमने सोचा वो हो पाता है या नहीं। अभी दिखा तो वहाँ पे चले बोला तो जुगाड़ जो यहाँ पे लगा होता है साइड वाला, देखो ऐसा लगेगा यहाँ पे कुछ प्रॉपर बैठ के। देखो ये वाला जुगाड़ था, हमने इसको हटाया वहाँ से, K10 में सब K10 800 में ये लगाते हैं, तो वहाँ पे ये प्लेस हमारे को थोड़ा सही लगा। तो यार अभी हमें एक जुगाड़ करना है जो हमारा वहाँ पे कप होल्डर है, इसके लिए हालत कितनी हमने खस्ता कर दी। तो इसमें हम इसको शीट लगा के बंद करेंगे, और यहाँ ही पे हम अपने सारे स्विचेस लगाएंगे। अभी हम आए थे मनोरंजन का, यहाँ पे बनाते हैं सारे पैनल, एक शीट सी लगाते हैं, फिर उसके बाद हम अपने टॉगल स्विच का, हाँ टॉगल स्विच, यहाँ पे तीन टॉगल स्विच ऊपर को लगेंगे, तीन मैनुअल स्विच हम नीचे को लगाएंगे। फिर अभी देखते हैं यहाँ शीट शूट बनाते हैं, फिर लगाते हैं, फिर लगा के दिखाऊंगा आप लोगों को कैसा लग रहा है, और जुगाड़मेंट भी दिखाऊंगा कैसे कट के लगता है। टिकने चाहिए बस स्विचेस। तो यार ये हमने ड्रिल ला ली, हमारी पत्ती भी बन गई, ये हम ड्रिल लेके आगे बॉश की पुद्दू जी से, बॉश की डुप्लीकेट को पता नहीं कौन सी, ये लेके आ गया हम जुगाड़। ये पूरा कवर होगा, ये हमने अंदर से काट दिया, अब सारा जुगाड़मेंट चलते हैं, फिट करते हैं, फिर देखते हैं क्या चीज़ कैसी लग रही है। और वो यार एक स्विच तो हमारा ख़राब है, टॉगल
कितने पड़े टोटल हमारे पास? तीन तो है पड़े हुए। दो है, दो है। एक तो खराब है यार, वो भी अभी टुच मराना पड़ेगा उसमें। एक स्विच लग गया हमारे यहाँ पे इस तरीके से, एक निचली साइड लगेगा, एक यहाँ, एक यहाँ। देखो तीन स्विच है हमारे पास टॉगल, तीन तो यहाँ एक लाइन में आ जाएंगे, फिर वो तीन है वो डब्बे वाले। अब वो बताओ वो डब्बे वाले लगाने के सारे टॉगल लगाने, अगर डब्बे वाले लगाने हैं तो उनके लिए तो बहुत कटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए ग्राइंडर से काटना पड़ेगा वो। अब कैसे करना है बताओ यार। अब हम दोबारा चले यार स्विच के लिए वहाँ पे, जो हमने छेद करने थे तीन वाले तो हमने कर दिए, और जो तीन वाले अरे परे वाले हैं वो भी करने पड़ेंगे दो के लिए। तो उसको मनाने के लिए हम पर एक ग्राइंडर के राहुल मोटर वाले है नहीं, आज मन्नू भैया के पास जा रहे हैं, वही करेंगे जुगाड़। वो करते हैं भाई यार, सुबह से आए हुए और ना खाना खाया ना कुछ खाया भाई, अभी तक लगे हुए इस काम में। देखते हैं कितनी देर में फ्री होते हैं और कितना होता है, और लास्ट में दिखाता हूँ आपको कि कैसा क्या जुगाड़ बनाया हमने। थोड़ा सा और मोटाई। तो यार हमारे स्विचेस लग गए, दो यहाँ लग गए, तीन ऊपर लगे, एक और हमारा अभी सेंटर में लगना है, सारा जुगाड़ बन गया। और उसके बाद हम इसके ऊपर रैप करेंगे तो अब चलो तो करते हैं। और ये देखो टायर वाले बंदे भी हैं हमारे साइड बक चुदी करते हुए, चलो तो देखते हैं यार अब लगने के बाद कैसा लगे। ये बैटरी कितनी पुरानी है जो आपके पास है? तो यार ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है हफ्ते बाद मैं अभी शिमला जाके आ गया, तो उस दिन मैंने वीडियो आधे में छोड़ दी थी, तो मैंने सोचा था आपको पूरी टेस्टिंग के बाद बताऊंगा कि ये चीज़ कामयाब है कि नहीं। तो मैं आज दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसका रिस्पॉन्स अच्छा खासा लगा यार। तो जैसे देखो आप लोग चेक करो, जो हमारा स्टार्ट स्टॉप का बटन था इसमें बस ये देखो यहाँ से ऑफ। सबसे पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ इसका, ये चेक करना ना, ये चेक करो। सबसे पहले आपकी चाबी निकली है, सबसे पहले आप गाड़ी में बैठे, आपने चाबी फंसाई, ठीक है, ये ऑफ है। सबसे पहले आपको इसका इग्निशन ऑन करना, इग्निशन ऑन जैसे आप देखो ना यहाँ चेक करना ये लाइट, इसको मैंने ऑन किया, अब जाके स्क्रीन में पार लाइट है, ठीक है। पूरा मॉड्यूल ये लाइट बता रही है आपको, पूरा मॉड्यूल वर्किंग है, बस आपको ये पुश देन गाड़ी स्टार्ट, ओके। बहुत अच्छा वर्कर है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, मैं हफ्ते भर से ये कर रहा हूँ। अब तो मैं चाबी लगाना भी भूल गया हूँ कि गाड़ी में चाबी भी लगती है, और बंद करना है यहीं से, बंद चाबी यहीं से काट दो, ठीक है। और दिखा दो ये हमारे प्यारे से स्विचेस जो हमने लगा रखे थे भाई, क्या प्यारी से लुक देते गाड़ी में जब ये ऑन होते ना। टॉगल स्विचेस मेरे को इसलिए पसंद है ना, जब ये ऑन होते ना बड़े प्यारे से लगते। देखो ऑन करने का ये हमारा एम्पलीफायर का स्विच है, सबसे पहले इसको ऑन करने के लिए पहले गड्डी हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से, ये हमारी गड्डी स्टार्ट। ये देखो अच्छा रेड लाइट येलो लाइट, अभी देखो मैंने फ्लैश ऑन किया, नहीं दिख पा रहा हूँ अंधेरे में भाई, रात को बड़ी प्यारी सी लुक देते हैं फ्लैश मारते हैं। ये देखो चेक करो ये, और एक हमारा ये वाला पार्किंग वाला भी स्विच है, इसे हमारी गाड़ी में चेक करो भाई, बहुत प्यारी लुक आती है यार। अभी कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर पाया क्योंकि मैं वाइड एंगल में शूट कर रहा हूँ भाई, तो बहुत प्यारी चीज़ और ये देखो कार्बन फाइबर की, ये भी अच्छी लुक दे रही है। और ये जब हमारे नीचे वाला ये सारा जो भी आपको बेकार सा दिख रहा है ना, अभी ये पूरा का पूरा ग्लॉस ब्लैक में पेंट होना है, जो अभी अब मैंने इसकी वीडियो नहीं डाली जो मैंने अभी ये ब्लैक करा है, इसकी वीडियो इसके बाद आएगी क्योंकि ये वाला काम भी मैंने इसके बाद करा दिया था नेक्स्ट डे में, तो उसके बाद आपको इसकी वीडियो भी देखने को मिलेगी आप लोगों को। और भाई मेरे हिसाब से भाई K10 में कहीं भी जगह नहीं है जहाँ पे आप अपने स्विचेस प्लेस कर सकते हो, कोई भी अच्छी खासी जगह नहीं, जहाँ यहाँ पे हुआ करती थी यहाँ पे हमने अपना ये वाला जुगाड़ फिट कर दिया। अभी ये जो छह चूत है जो हमारे पहले के स्विचेस थे, तो मैं अभी इसको ये भी चेंज कर दूंगा, मैं नीचे वाला पैनल पूरा ब्लैक करके। अभी मेरे को बताना आप लोग मैं क्या सोच रहा हूँ, आपको बताता हूँ। मैं सोच रहा हूँ पूरे के पूरे जो डैश है जैसे हमारे गत्ते, पूरा ग्लॉस ब्लैक कर दूँ, ठीक है, और नीचे वाला ग्लॉस तो नहीं मैट टाइप का ब्लैक करूँगा, यहाँ से नीचे ग्लॉस रखूँगा और थोड़ा सा वाइट का टच दूंगा, क्योंकि अगर हम यहाँ ग्लॉस करेंगे तो आप लोगों को पता है रिफ्लेक्शन इतनी ज़्यादा रहेगी, धूप धाप में सीधा डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगी, रात को भी हमारी लाइटें रहोगी, ठीक है। बाकी चलो इस बात को मैं इसके साथ डिसाइड करूँगा जब मैं ब्लैक वाला करूँगा। अभी आप लोग बताओ कि ये कैसा लग रहा है यहाँ पे, आप लोगों के हिसाब से इसके लिए कोई और जगह सही थी कि नहीं, जहाँ मैंने लगाया ये जगह ठीक है कि नहीं,
आप लोग बताओ कमेंट करके। बाकी तो चलो मिलते हैं बाबा लोग बाकी नेक्स्ट वीडियो में। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं बाबा लोग नेक्स्ट वीडियो में। बूम बाबा लोग।